हेलो एवरीवन, आज से रोज हमारे वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। लेकिन आंसर देने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर। आंसर देने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा और 3 दिन बाद विनर का नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो में शो किया जाएगा। साथ ही विनर को मिलेगा 5 से 100 रुपए तक का पेटीएम कैश या फिर गिफ्ट वाउचर्स। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉग। ब्लॉग नहीं जानते? चलिए इसे सिंपल करते हैं। वेबसाइट, ये शायद सभी जानते हैं और समझते भी हैं। अब आप सोचेंगे, मैं तो स्टूडेंट हूँ या टीचर, या मैं तो अपने घर से बिजनेस करता हूँ, या मैं तो एक बार्बर हूँ, ये वेबसाइट एंड ऑल मेरे किस काम? चलिए देखते हैं ये वेबसाइट एंड ऑल आपके किस काम का है। मान लीजिए आप अपने घर से एक बेकरी चलाते हैं। अब ज्यादा ना सही, पर केक्स, पेस्ट्रीज, पैटीज और इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपने घर के आसपास के एरिया में सेल करते हैं। इससे आपकी इनकम होती है, पर आज के दौर में क्या इतना काफी है? आंसर है नो। तो अब क्या करें? सिंपल, एक वेबसाइट बना के उसे इंटरनेट पर पब्लिश करें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। अब क्वेश्चन आएंगे, वेबसाइट कौन बनाएगा, कितना खर्चा होगा, इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? तो इन सब सवालों का सॉल्यूशन है ब्लॉग। एक ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जिसे आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी ब्लॉग इजिली बना सकते। जब आप ब्लॉग बना ले, उसे पब्लिश कर दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर्स से अपना ब्लॉग का लिंक शेयर कर दें। उसे रेगुलर इंटरवल्स में अपडेट करते रहें, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं, डिस्काउंट्स जो आप अपने फर्स्ट कस्टमर को देते हैं, कूपन कोड्स जिससे उन्हें नेक्स्ट शॉपिंग में आपसे कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। इससे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक होम बेस्ड बेकरी के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आजकल के ट्रेंड्स का ब्लॉग या गेमिंग ब्लॉग, या अगर आप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, तो इन टॉपिक्स पर ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप एक बार्बर हैं तो आप अपने सैलून के न्यू प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स, लेटेस्ट बियर्ड्स के पिक्स शो कर सकते हैं, साथ ही कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स दे सकते हैं। चलिए अब ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन होने के बाद एड्रेस बार में हम लिखेंगे wordpress.com। यहाँ हम क्लिक करेंगे स्टार्ट योर वेबसाइट। उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यूज कर सकते हैं लॉग इन टू योर अकाउंट। हमें अब यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना है, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, लॉग इन टू क्रिएट अ साइट फॉर योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल। अब आपको अपने ईमेल आईडी में साइन इन करना होगा। यहाँ हमसे डोमेन का नाम पूछेगा। डोमेन नेम मतलब आपको आपकी वेबसाइट का क्या नाम देना है। मैं अभी के लिए यहाँ डेमो के लिए नाम दे देता हूँ, सत्यम बेकरी। उसके बाद आप देख सकते हैं सजेशंस और साथ ही इसके अलग अलग प्लान्स। अगर हम देखेंगे satyambakery.wordpress.com, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपको चाहिए .net.in तो आपको $15 हर साल रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। .org.in, .ind.in इन सभी के लिए आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अभी हम यूज करते हैं यहाँ पर फ्री वाला डोमेन satyambakery.wordpress.com। सेलेक्ट। स्टेप 2 में ये आपको अपने अलग अलग प्लान्स शो करेगा, पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस, ई कॉमर्स, जिसके अलग अलग चार्जेस भी हैं। अभी हम क्योंकि नए हैं तो हम यूज करेंगे स्टार्टअप फ्री साइट। आप बाद में भी इसको अपग्रेड करके अलग अलग प्लान्स खरीद सकते हैं। ये देखिए, योर साइट हैज बीन क्रिएटेड, गेट स्टार्टेड। ये है बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। माय होम सेटअप या आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। स्टैट्स में आपको शो करेगा रेगुलरली आपकी वेबसाइट में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, लाइक्स, कमेंट्स, डे वाइज, वीक्स, मंथ, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आपको यहाँ देखने मिलेंगी। प्लान हमारा प्लान फ्री वाला है। अगर आप सेकंड स्टेप में जो अलग अलग प्लान्स थे उसमें से आपको यूज करते हैं या फिर यहाँ से आप पर्सनल, प्रीमियम वगैरह अपग्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लान अपग्रेड हो जाए। साइट, वेबसाइट में आपके पेजेस कौन कौन से होंगे, कितने पेजेस होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने क्या क्या पोस्ट किया है, मीडिया आपके वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में कौन कौन से इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके जितने भी यूजर्स या कस्टमर्स रहेंगे वो क्या कमेंट करते हैं वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको मिलेगा फीडबैक। डिजाइनिंग के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, इसमें जाकर आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं।
इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, साइट आइडेंटिटी, आपका मेन्यू बार कैसा होगा, आपका होम पेज कैसा होगा एक्सेट्रा, इन सभी पर हम आगे आते हैं। फिर आता है थीम्स, आपकी वेबसाइट का थीम क्या होगा, आप अलग अलग थीम्स चुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ कई सारे थीम्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी एक पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक बेकरी के लिए बना रहा हूँ तो हम यूज करेंगे रॉकफील्ड या फिर इस प्रकार का जो भी आपको पसंद हो। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। व्यू साइट और एडिट होम पेज, अब अगर आपको अपना होम पेज एडिट करना है, जो आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्लिक करेंगे एडिट होम पेज पे, और अगर हमें अपनी ब्लैंक वेबसाइट देखनी है तो हम क्लिक करेंगे व्यू साइट। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी ब्लैंक वेबसाइट कैसे दिखती है। ये देखिए satyambakery.wordpress.com, इस प्रकार से आपकी वेबसाइट दिखी। आप यहाँ पर जो भी फोटो ऐड करना चाहें वो फोटो ऐड हो जाएगा। एंजॉय अवर फूड एक्सपीरियंस, ये सिंपल टेक्स्ट है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेलकम टू रॉकफील्ड, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है तो इसमें कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी बेकरी का नाम और साथ साथ अपनी बेकरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं। उसके बाद डिस्कवर अवर मेन्यू में अलग अलग सैंपल मेन्यू है, स्टार्टर है, मेन कोर्स है, डेजर्ट है, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डिशेस लिख सकते हैं। बुक योर टेबल, अगर आप चाहते हैं आपके कस्टमर्स टेबल भी बुक कर सके तो उसका ऑप्शन भी इस टेम्पलेट में दिया हुआ है। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक मेन्यू बार मिला है, होम, ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टेक्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको हर किसी टेम्पलेट में मिल जाएगा। अबाउट, अबाउट में आप लिख सकते हैं आपके बेकरी के बारे में, आपके अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप कौन हैं, आप कब से बेकरी चला रहे हैं। कॉन्टेक्ट में जाकर आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। अब वापस देखते हैं हम हमारे ब्लॉग को कैसे डिज़ाइन करें। अब आप इस वेब पेज में लैंड हो जाएंगे, आपको दिखा रहा है आपकी साइट और उसके अंदर पेजेस। अब अगर इसमें मैं एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ तो हम क्लिक कर सकते हैं ऐड न्यू पेज। इसमें भी आपको कई सारे थीम्स अवेलेबल मिलेंगे, अगर आपको इनमें से कोई थीम पसंद हो तो आप यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक नया वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ब्लैंक, यूज ब्लैंक लेआउट। यूज ब्लैंक लेआउट में सबसे पहला है ऐड टाइटल, आप अपने वेब पेज का टाइटल क्या देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल देना चाहता हूँ और हम यहाँ पर टाइपिंग चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स उनके डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। उसके बाद इसे एडिट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, बोल्ड, इटैलिक, क्रिएट अ लिंक और कई सारे और ऑप्शंस। साथ साथ अब हमें यहाँ पर कुछ फोटोज भी डालने हैं तो हम क्लिक करेंगे इस प्लस के साइन पर और जाएंगे इमेज। इमेज में जाने के बाद अपलोड, जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ही एक और इमेज ऐड कर लेते हैं, इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं आप। इमेजेस इंसर्ट करने के बाद अगर आपको कुछ और ऐड करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कर देते हैं पब्लिश। व्यू पेज, ये देखिए आपका पेज कुछ इस प्रकार से आपके कस्टमर्स को दिखेगा। पर अभी भी अगर आप एक डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमने जो एक नया पेज ऐड किया था अवर प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। उसे शो करने के लिए अब हम फिर से जाते हैं हमारे एडिटर में, डिजाइन। डिजाइन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाकर आपको क्लिक करना होगा मेन्यू, मेन्यू में प्राइमरी। अब क्योंकि हमने एक और पेज क्रिएट किया था उसे ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड आइटम्स। यहाँ आप देख सकते हैं अवर प्रोडक्ट्स पेज, इसके सामने वाले प्लस पे हमें क्लिक करना है। देखिए ये आ गया है हमारा अवर प्रोडक्ट्स, सेव कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। अब अगर हम हमारी वेबसाइट देखते हैं, देखिए होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट और साथ साथ अवर प्रोडक्ट्स। आप इस मेन्यू बार को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कौन सा बटन आपको पहले चाहिए कौन सा बटन। क्लिक करते हैं अवर प्रोडक्ट्स पे, ये देखिए अवर प्रोडक्ट्स। अगर आपको थीम पसंद ना हो आप थीम में जाकर कभी भी इस थीम को चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने पेजेस ऐड करना चाहें आप पेजेस में जाकर एड न्यू पेज पे क्लिक करके नए पेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पेज में कोई चेंजेस करना चाहते हैं जैसे कि अवर प्रोडक्ट्स में, हम इस पेज में चले जाएंगे और आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हो आप वो इजीली कर सकते हैं। अगर इस पेज में हम ऐड करना चाहते हैं हमारे ओपनिंग आवर्स या क्लोजिंग आवर्स तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप देखेंगे कई सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आपको इमेज ऐड करनी है, बिजनेस आवर्स ऐड करने हैं, कैलेंडर फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कई सारे यहाँ पर आपको अलग अलग टूल्स इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। आप इसमें ऑडियो वीडियो वगैरह भी अपना ऐड कर सकते हैं। बिजनेस आवर्स के लिए क्लिक कर देते हैं, बिजनेस आवर्स
अगर आपका शॉप मंडे टू फ्राइडे एक पर्टिकुलर टाइम पर खुला रहता है तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर इसे कर दें अपडेट। अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म, पेशेंट्स डायरेक्टली ऑनलाइन आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल। फिर आता है पैटर्न्स, आप अपने वेब पेज को किस पैटर्न में देखना चाहते हैं। यहाँ कई सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, टू कॉलम्स, इमेज विद हेडलाइन एंड सो ऑन। हमने ये जो ब्लॉग बनाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो आप भी इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।